शिवाजी महाराज के कुशल नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इसी समय के दौरान यूरोपियनों ने भारत में प्रवेश किया, प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से। पुर्तगाली, डच और अंततः अंग्रेज यहाँ आए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन भारतीय राजाओं की आपसी फूट और संघर्षों का लाभ उठाकर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अपनी नींव रखी। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अंग्रेजों का शासन भारतीय जनता के लिए शोषण और अत्याचार का प्रतीक बन गया। 1857 का विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे जैसे वीरों ने अन्याय के विरुद्ध विद्रोह किया, जो अंग्रेजी सत्ता के अंत की शुरुआत का प्रतीक बन गया। भाइयों, अंग्रेज हमारी मातृभूमि को लूट रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, और अब ये कारतूस जिसे हमें गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे हुए चलाना है। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी से, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं का सीधा अपमान है। क्या हम चुप रहेंगे? ठीक है, यही समय है बगावत का। अब हमें इन अंग्रेजों को दिखाना ही होगा कि हम भारतीय सिपाही कमजोर नहीं है और हम हिंदुस्तान को लूटने नहीं देंगे। लेकिन मंगल, तुम्हें नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना इससे कहीं बेहतर है। लग ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। मगर हमेशा से ऐसा ही चलता आया मंगल, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जिसे लड़ाई छोड़नी है उसको कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन मेरी ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के नाम है। एक ऐसा भारत जिसका अपना कानून होगा, जहाँ जात पात का भेद नहीं होगा, जहाँ खुशियां होंगी, भाईचारा होगा, प्यार होगा। मंगल, मंगल भाग चलो मंगल, ये बहुत सारे हैं, हम इनसे नहीं जीत सकते। नहीं, हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, चाहे 1000 साल लग जाए। मैं कहता हूँ भाग चलो, जाओ तुम जाओ यहाँ से और सबको खबर कर दो, इनकलाब शुरू हो गया है।
मुझे मौत से अब डर नहीं लगता। मेरी इस कुर्बानी को जाया मत समझना, ये एक मिसाल होगी जो रोशनी लाएगी आने वाले भारत के लिए। एक ऐसा भारत जिसका अपना आहीन होगा, जहां हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। एक ऐसा भारत जिसका अपना संविधान होगा, जो हमारे परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। भारत माता की।